हाय एवरीवन दिस इज वे आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा एक्वामेशन पे है ये एक्वामेशन का क्या प्रोसेस है और क्या ये क्रमेशन के लिए एक ग्रीन अल्टरनेटिव है या बोरियल मेथड है Uh, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये मेथड एक फेमस पर्सनालिटी एक एंटी अपारथीड हीरो डस्टमॉन टूटू के द्वारा चुना गया उनके लाइफ के अंतिम दिन उन्होंने सोचा था कि जब मेरा आधे आधा संस्कार होगा तो इस तरीके से होना चाहिए इन्वायमेंट फ्रेंड फ्रेंडली तरीके से तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब देखिए डेस्मॉन्ट टूटू के बारे में डिटेल में भी मैं आपको बताऊँगी ये आर्क बिशॉप थे आर्क बिशॉप कौन होते हैं हाईएस्ट प्रीस्ट की पोजीशन में चर्चेज़ पे जो रहते हैं उनको हम आर्क बिशॉप बोलते हैं अब उनके लास्ट जो उनकी जब उनकी डेथ हो गई तो एक्वा से आप कह सकते हैं जिसको हम हिंदुज़्म में दाह संस्कार बोलते हैं या देखिए अलग अलग रिलीजन्स में जब किसी की डेथ हो जाती है अलग अलग तरीके से हम उनके अंतिम जो भी क्रियाक्रम होते हैं वो करते हैं या बॉडी को डिस्पोज करने के अलग अलग तरीके रहते हैं जैसे कि सबसे ज़्यादा फेमस दो तरीके हैं जो प्रैक्टिस फेमस एज इन प्रैक्टिस होती है एक हो गया आपका method, और दूसरा हो गया क्रीमेशन। मेथड uh, में क्या होता है कि दफन किया जाता है जिस तरह से आपकी क्रीमेटोरिस होती हैं और uh, जिस तरह से आपकी सिमेट्रीज होती हैं और क्रीमेशन uh, अलग दो तरह की होती है यूजली या तो अंतिम संस्कार जिसमें uh, जला दिया जाता है अग्नि से और दूसरा तरीका होता है कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाता है और पीछे आपके ऐशेज रह जाती हैं जो हम uh, जिसको डस्ट भी बोलते हैं तो ये दो तरीके एंशियंट टाइम तरी, से सबसे ज़्यादा चलते आए हैं प्रचलित हैं और भी तरीके हैं जैसे पारसीज का अलग मेथड होता है कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं कम्युनिटीज़ हैं उनका अलग मेथड होता है लेकिन ये दो मेथड्स आपके सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं हड़प्पन टाइम से देखेंगे वेदिक एज से देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्रीमेशन होता आया यूरोप में आप देखेंगे पहले क्रीमेशन होता था लेकिन बाद में वो रियल सामने निकल के आया लेकिन अब फिर से कुछ कुछ एरियाज़ में क्रीमेशन फिर से आ रहा है क्योंकि लैंड Uh, की स्पेस ना होने की वजह से तो आप इस तरीके से देख रहे हैं अब हम इसी तरीके से बात कर रहे हैं एक्वामेशन की जिसको आप वाटर ब्यूरल या वाटर क्रीमेशन भी बोल सकते हैं एक्वा का मतलब वाटर होता है मेशन वर्ड क्रीमेशन से लिया गया है ये एक नया पॉपुलर इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीका है ऑल्टरनेटिव मैथड हमारे जो ट्रेडिशनल मैथड्स मैंने आपको बताया क्रीमेशन के उनके अलावा जहाँ पर हम वाटर को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ़ फायर अब सेंट जॉर्ज कैथेड्रल में जो डिसमोन हैं उनकी फाइनली जो ये फाइनल यात्रा जो थी वो वहाँ पे हुई और उनको एक स्टेट फ्यूनरल जो फ्यूनरल राइट्स थे उनके वहाँ पे किए गए और उनकी विश थी कि उनकी बॉडी uh, को लास्ट में जो उनके फ्यूनरल राइट्स हैं वो इस तरीके से हों बिल्कुल चीप और इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से इसलिए उनकी बॉडी को जब डिस्प्ले में भी लगाया गया एक चीप वुडन बॉक्स में अकॉर्डिंग टू हिज विश और बाद में उनका एक्वामेशन से जो लास्ट दाह संस्कारी कह लीजिए किया गया एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इस मेथड को एक्वामेशन को हम बोलते हैं आगे जानते हैं इसके बारे में प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं अब एक्वामेशन क्या है एक्वामेशन बता दिया एक्वा का मतलब वाटर मेशन आपका आ, लिया गया है क्रीमेशन से एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यानी इस ये एक एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का तरीका है जिसमें वाटर और कुछ हद तक केमिकल यूज़ किया जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है उनकी बॉडी को कुछ देर तक वाटर में इमर्स करके रखा जाता है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एल्कली यूज़ की जाती है स्ट्रॉग एल्कलाई यूज़ करने का मतलब है या तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं इनमें से कोई एक स्ट्रॉन्ग एल्कली यूज़ की जाती है प्रेशराइज मेटल सिलेंडर में बॉडी रखी जाती है और उसका टेम्परेचर uh, और प्रेशर वहाँ पे मेंटेन किया जाता है उसको हीट किया जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये मेथड है आपका एक्वामेशन का तो यहाँ आपको एक्वामेशन के बारे में अगर आप बायो रेस्पॉन्स सल्यूशन की एक साइड है वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको देखेगा साइंटिफिक नेम एक्वामेशन का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है ये जो प्रोसेस है जो फाइनली हम बॉडी को रेस्ट देते हैं कि अब वो बोलते हैं कि मिट्टी में मिल गई तो वो उसको इस तरीके से किया जाता है इसमें वाटर फ्लो टेम्परेचर और एल्किटी का ये मिक्सचर है जो हमारी बॉडी ऑर्गेनिक मटीरियल से बनी है और इन ऑर्गेनिक मटीरियल्स को ब्रेक डाउन करती है ये प्रोसेस यहाँ पे जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ना जो नॉर्मल हम दाह संस्कार करते हैं क्रीमेशन आग से जो किया जाता है उसमें देखिए एशेज इस तरह की होती हैं आपकी थोड़ी थोड़ी चिप्स आपको उसमें मिलेंगी बोन्स की लेकिन एक्वामेशन से जो पीछे एफुलेंट बचता है जो मटेरियल बचता है वो बिल्कुल स्मूथ डस्ट होती है तो वो फाइनली फैमिली को दे दी जाती है जैसे भी जिसके जो भी विश्वास हो उसके आगे वो प्रोसेस करते हैं अब मैंने आपको बता दिया कि एक्वाशन में वाटर टेम्परेचर और आल्कनेटी यूज की जाती है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक करने के लिए क्रिमेशन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका काना ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये एल्कलाइन हाइड्रोलिस को बोलती है कि एक तरह की फ्लेमलेस क्रीमे क्रिमेशन है कि यहाँ पे हम जला नहीं रहे यू नो फ्लेमलेस क्रीमेशन हो रही है और इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है बॉडी को डिस्पोज करने के लिए और इस प्रोसेस को वाटर क्रीमेशन ग्रीन क्रीमेशन या केमिकल क्रीमेशन भी कहा जाता है अलग अलग नाम इसको दिए आपको जो सही

जो एफिलेंट बचा मैंने आपको बताया वो पीछे स्टेराइल है उसमें आपको क्या मिलेगा डीएनए नहीं होता सॉल्ट्स शुगर्स एमिनो एसिड्स और पेप्टाइड्स बचते हैं उसलिए उसमें उसमें कोई भी टिश्यू या डीएनए नहीं होता जब ये प्रोसेस एक बार ख़त्म हो जाती है अब इस एफिलेंट डिस्चार्ज को जो पीछे बचता है उसको कहीं पर भी डिस्चार्ज किया जाता है कई बार वाटर सिस्टम्स में किया जाता है या डिपेंड्स अपॉन द फैमिली कि उन्होंने क्या रूट उसका सोचा है आकोमेशन तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे देखिए नो बर्निंग और इसके यूजेस ही बता रखें यहाँ पे कि कोई फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं कर रहे हम ट्वेंटी परसेंट एश रिमेंस रिटर्न टू द फैमिली ट्वेंटी परसेंट मोर एशिज़ नॉर्मल मेथड से ट्वेंटी फोर ट्वेंटी परसेंट आपको ज़्यादा एशज़ मिलेंगी नाइन्टी परसेंट एनर्जी सेव हो रही है तो इसको इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे अगर आपको किसी को समझाना हो तो बॉडी नाइन्टी प्लस नाइन्टी फाइव प्लस परसेंट वाटर इसमें यूज़ किया जाता है और पाँच परसेंट अल्कलाइन यानी बेसिक केमिकल्स इसमें या तो देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है अब हाइड्रो क्या करता है जो हमारी बॉडी जो बॉन्ड्स हैं केमिकल्स बॉन्ड्स हमारी बॉडी में उनको तोड़ता है ओके okay? और कन्वर्टिंग देम टू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और फिर से उनको जिससे हमारी बॉडी बनी होती है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं उनमें कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हीट यूज़ की जाती है देखिए वैसे भी जब हम क्रीमेशन करते हैं या बुरियल प्रोसेस होता है अल्टीमेटली बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये टूटते हैं ये बॉन्ड्स टूटते हैं बट इनमें काफी समय लगता है लेकिन इसको स्पीड अप करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं वॉटर एल्कनीटी alkali, यूज कर रहे हैं और हीट यूज कर रहे हैं प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए पीछे आपका स्टिराइल एफ बचा बॉन्न के कुछ फ्रेगमेंट्स बचे तो ये प्रोसेस मैं आपको कर चुकी हूं एक्सप्लेन इस तरह का सिलेंडर बॉक्स होता है जहाँ पे बॉडी को रखा जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टील का एक चैम्बर होता है उसमें नोचेज़ रहती हैं वाटर टैंक रहता है जिसको अटैच किया जाता है फ्लूड्स जहाँ से पंप किए जाते हैं और हाइड्रोक्रीमेशन इस तरीके से फिर इसको बंद कर दिया जाता है यहाँ पे आप ग्रीन डॉट से जो देख सकते हैं ऐसे इस तरह से बॉडी रहती है इतना पानी डाल दिया जाता है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये चैम्बर जो है वो पूरा वर्क करता है अब अगला सवाल है कि ये एल्कोलीन हाइड्रोलिसिस आखिर कब से यूज किया जा रहा है अब देखिए ये जो प्रोसेस है ये डेवलप की गई थी और इसका पेटेंट लिया गया था 1888 में बाय एमोस हर्बर्ट हम ये एक फार्मर थे अब बेसिकली ये एक्वामेशन का प्रोसेस क्यों डेवलप कर रहे थे क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स बनाना चाहते थे एनिमल कारकासेस से एनिमल कारकासेस क्या है एनिमल की बॉडीज जब एनिमल मर जाएगा डेड बॉडी जो बचेगी एनिमल कारकासेस उनको बोलते हैं अब उसको यूज करना चाहते थे कि उससे फ़र्टिलाइजर्स बनाएं इसलिए उन्होंने ये एकोमेशन का मेथड जो है वो इन्वेंट किया तो पीछे आप बैकग्राउंड में जो इमेज देख रहे हैं उसी चैंबर की है फर्स्ट कमर्शियल सिस्टम इंस्टॉल किया गया अल्बानी मेडिकल कॉलेज 1993 में उसके बाद हॉस्पिटल यूनिवर्सिटीज़ में क्योंकि आपको पता है जो डॉक्टर्स बनते हैं एम करते हैं उनको बहुत सारी डेड बॉडीज़ पर प्रैक्टिस कराई जाती है जो डोनेटेड बॉडीज़ होती हैं या कुछ लवारिस बॉडीज़ अगर मिलती हैं तो हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज़ में डोनेटेड बॉडी प्रोग्राम्स को इसी तरीके से फाइनली डिस्पोज ऑफ किया जाता है 2011 में ही ये प्रोसेस फ्यूनरल इंडस्ट्री भी यूज़ करने लगी दो फ्यूनरल होम्स में इसको यूज़ किया गया ओहियो में और फ्लोरिडा में पहली बार जो इंडस्ट्रीज यूज़ करने लगी अब आग बिशप की बॉडी ये एक्वामेशन क्यों चुना गया तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी लाइफस्टाइल बहुत मॉडस्ट थी बहुत सिंपल व्यक्ति थे एंटी अपारथीड हीरो थे क्योंकि जिस तरह से रेसिज्म के खिलाफ उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और इन्वायरमेंट के प्रति भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी स्टेप्स इन्होंने लिए थे इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे स्पीचेस डिलीवर की क्लाइमेट क्राइसिस को अर्जेंटली हमको कैसे टैकल करना है उस पर ये बहुत जोर देते थे और हमेशा ये अपने लिए खुद के लिए एक सिंपल फ्यूनरल और इको फ्रेंडली सेरेमनी चाहते थे इसलिए इनके लिए इसको यूज़ किया गया अब देखिए यू के बेस्ड फॉर्म रेजोमेशन के अकॉर्डिंग अगर माने जो प्रोसेस है एक्ोमेशन की ये बहुत एनर्जी जो बाकी तरीके हैं हमारे क्रीमेशन के उनसे से पाँच गुना कम एनर्जी इसमें यूज़ होती है थर्टी फाइव परसेंट जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसमें वो भी रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा जो क्रीमेशन के टाइम एमिट होती हैं तो इसलिए इसको इको फ्रेंडली कहा गया है अब थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता दूं डिस्पॉन्ट टूटो की अगर बात हो रही है साउथ अफ्रीका के बहुत फेमस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे 1984 में इनको नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया इनके एफ़र्ट्स के लिए क्योंकि इन्होंने अपार्थीड Racism के खिलाफ आप कह लीजिए लड़ाई लड़ी थी वॉइस ऑफ द वॉइसलेस इनको ब्लैक साउथ अफ्रीक के लिए कहा जाता है जब नेल्सन मंडेला आपके इलेक्ट हुए नेशन के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका में तब उन्होंने डिसमोन टूटू को चेयरपर्सन बनाया ट्रुथ एंड रिकॉन्सुलेशन कमीशन का ट्रूथ रिकॉन्सुलेशन कमीशन क्या था एक कोर्ट लाइक रिस्टोरेटिव जस्टिस बॉडी थी साउथ uh, अफ्रीका में 1996 में जब अपार्थीड एंड हो गया उसके बाद और जब इनको चेयरमैन बनाया गया तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए फॉर्मुलेट की बहुत सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक और जस्ट सोसाइटी को इक्वल करने के लिए इक्वल राइट्स सबको दिए पासपोर्ट लॉज में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी उनको ठीक किया एजुकेशन के लिए सबके लिए कॉमन सिस्टम लाया और जो एक सेसेशन था फोर्स डिपोटेशन फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑफ सो कॉल्ड होमलैंड्स लोगों को ज़बरदस्ती भेज दिया जाता था उसको भी ख़त्म किया तो इन्होंने बहुत सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स जो हैं वो लिए थे तो यहाँ पे आप इनके बारे में देख सकते हैं आज हमने एक्वामेशन पढ़ा कि अब इतने फेमस पर्सनैलिटी ने अपने लिए ये सिस्टम चुना है तो ऑब्वियसली इसके क्या मेरिट्स हैं डी मेरिट्स हैं वो हमको मालूम होने चाहिए तो फिलहाल आज हमने इसके मेरिट्स में और इस प्रोसेस के बारे में बात की है क्वेश्चन uh, आपके लिए रविंद्रनाथ टैगोर और द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर फॉर हिज yeah. वर्क क्योंकि इनको भी नोबल प्राइज मिला था इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आई होप एक्वामेशन आपको समझ आया होगा अच्छे से कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कीजिए बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए ई एम भी कोर्सेज अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच